हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ बाबू एंड आई वेलकम यू टू माय चैनल लाइफ लाइन किंग एंड अनर द वीडियो। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप किस तरीके से अपने सर्वो मोटर की डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करके पूछ रहे थे कि आप सर मुझे बता दें बिल्कुल आसान स्टेप ताकि मैं इसको कर पाऊँ। और उसके बाद मैंने यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियो देखी जिसमें लोग जो है तरह तरह की चीज़ें बता रहे हैं और किसी की प्रॉपर जो है ना वो इन्फॉर्मेशन नहीं मिली देखने के लिए। तो मैंने कहा कि आप लोगों की जो है वो थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी, इस वजह से मैंने इस वीडियो को बनाने की कोशिश की है। तो आप किस तरीके से इसका डायरेक्शन बिल्कुल आसान तरीके से चेंज कर सकते हैं वो मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। तो आप देखेंगे यहाँ पर सबसे पहले लिखा हुआ है सेटिंग, उसके बाद जो है यहाँ पे लिखा हुआ स्पीड, उसके बाद यहाँ पे डायरेक्शन और उसके बाद पोजीशन। तो आपको जो मोटर आपका फ़िलहाल चल रहा है, जैसे एग्जांपल अभी मैं मोटर चला के दिखाता हूँ आपको, अभी आप देखेंगे तो इसका डायरेक्शन इस साइड को है, ठीक है। तो अभी मुझे इसको चेंज करना है और ये जो एरो इस पर चल रहा है जस्ट इसी को आपको देखने का, अभी फ़िलहाल ये ऐसा चल रहा है। उसके बाद अब जब ऐसा चलने लगेगा तो समझ लीजिए कि आपकी डायरेक्शन चेंज हो गई। तो आपको करना कुछ नहीं है, ये डायरेक्शन के ऑप्शन पर जस्ट इसको क्लिक करके रखना है और थोड़ी देर आप इसको क्लिक करके रखेंगे तो आप देखेंगे इसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। देखिए, अभी मैंने दबा के रखा था और ये डायरेक्शन चेंज हो गया। अभी मैं मोटर चलाऊंगा तो इसका डायरेक्शन अपोजिट साइड होगा, देखिए ये ऐसा चल रहा है। अब वापस से मैं इसको दबा के रखूँगा जस्ट, ठीक है। जैसे ही आप इसको थोड़ी देर दबा के रखेंगे इसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। अब इसका डायरेक्शन देखिए उल्टा हो गया। तो इस तरीके से आपको डायरेक्शन चेंज करना है। उसके अलावा अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप पहले इसको क्लिक करेंगे और उसके बाद स्पीड पे ये माइनस प्लस करना है तो आप इधर माइनस प्लस इसको कर लेंगे। आगे पीछे एग्जांपल से मुझे प्लस करना है तो इसको प्लस पे दबा दिया और उसके बाद इसके बाद ये डायरेक्शन पे क्लिक कर दिया, बस हो गया। इसकी स्पीड अब बढ़ जाएगी, अब देखिए इसकी स्पीड बढ़ गई, ठीक है। इस तरीके से इसकी स्पीड बढ़ जाती है, घट जाती है डायरेक्शन पे, ये सारी चीज़ें यहाँ से मैनेज हो जाती हैं। लेकिन जो आसान मैंने आपको बताया कि डायरेक्शन इसका चेंज करना है वो जस्ट वन क्लिक में इसको आप दबा के रखेंगे तो आपका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। इस वीडियो में मुझे यही बताना था। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में शेयर करना जिनको इनकी ज़रूरत हो, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक कर लेना ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। धन्यवाद।